सॉरी। कल तुम रिया के साथ आई थी राइट? तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? अरे भूल गई, हेलो अली चमको कैफे। अरे कल तुम आई थी ना? पता तो लगाना पड़ेगा अली, ये है कौन? हैप्पी होली नील। हैप्पी होली रिया। रिया तुम्हारी फ्रेंड अनन्या नजर नहीं आ रही कहीं पे? एक्चुअली हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, डोंट यू थिंक सो? यू आर राइट, यहीं कहीं होगी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली अंकल। हैप्पी होली पुत्र जी, हैप्पी होली। भाई सॉरी, आप दोनों के रोमांटिक मोमेंट के बीच में मैं आ गया कबाब में हड्डी बनने, मतलब फ्लैश में बोन। प्लीज। ओ भाई प्लीज की क्या बात है इसमें, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड होली है, बी है पहले गुड जॉली। नील आओ, तीनों सेल्फी क्लिक करते हैं। तुम लोग क्लिक करो, मैं आता। अरे यार अंकल चलो हम दोनों की। हाँ श्वेता जी, जी सुबह से कह रही है ये कि इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। चलो अब सॉरी बोलो और बड़ों का आशीर्वाद ले लो। कब से कह रही है आंटी से मिलके सारे गिले शिकवे दूर करेगी, है ना? अम्मी यूर स्टैंडिंग, सॉरी बोल के गिले शिकवे दूर करो जी, और क्या। हेतल जी, माँ जी हर साल हम होली के दिन मिठाई भेजते हैं ना पागलखाने में, जरा फोन करके पता कर लो मिठाई पहुंची कि नहीं, और अगर नहीं पहुंची है ना तो हम हमारी दीक्षा को वहां भेजते हैं मिठाई लेकर। क्यों आंटी जी? I'm sorry. हाँ जी सॉरी, ओनली सॉरी जी। सुबह से वो बड़ी लाइन बोल रही थी ना, वो बोलना। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, आई एम सॉरी। ओह जी मैं तो मेल्ट ही हो गई है सुन के, सॉरी। देख कितना अच्छा लग रहा है उन्हें, अब पहुंचो। ओ इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके भाई, मैं जी मेल्ट हो गई हूँ यू नो। आई हैप्पी होली है जी, और गले चले मिलो, आओ आओ। हैप्पी होली। अब मेरे कलेजे को ना ठंडक पहुंची है। कलेजा तो आपका मैं चलनी करूंगी श्वेता जी। ये पुलिस वाला, अभी अली, क्या करूं कैसे निकलूं यहां से? वहां से पूछना होगा कि क्या बात हुई उनकी नील की मां से। सारा प्लान चौपट हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से? मैं अकेले में बात करने की बीमारी है। हमेशा ऐसे शॉकिंग एंट्री देके डराने की बीमारी है क्या तुम्हारी? और तुम ना ये एक हाथ के डिस्टेंस में खड़ा हुआ करो, समझे? और दूसरा क्यों डरूंगी मैं तुमसे? अनजान लोगों के साथ होली नहीं खेलती। अनजान लोगों के घर अकेली जा सकती हो, लेकिन होली नहीं खेल सकती। अजीब हो यार तुम। वो तो मैं रिया के लिए आई हूँ।
आई थिंक यू आर राइट. होली ना अपने लोगों के साथ खेली जाती है, और ना तो तुम दोस्त हो और ना तो तुम परिवार. आखिर हो कौन तुम? तुम यहां क्यों हो? किस लिए हो? इसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा. अनन्या वर्मा, किसी भी तरह की गलती नहीं चाहिए. किसी भी तरह से ये रिश्ता फिर से जुड़ना चाहिए, समझी तू? जी माँ. आओ आओ, आइए आइए. श्वेता जी, प्रकाश भाई आई. नमस्ते जी. फिर से नमस्ते. आइए 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 जी, शुरू करते हैं. श्वेता जी, पहले ठंडाई से गुजिया. श्वेता जी. जी जी. वाह, ये अपने नील और रिया की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना. आखिर बेटा किसका है? अरे आप तो कुछ खा ही नहीं रही है श्वेता जी. दीक्षा, श्वेता जी को बादाम वाली ठंडाई पिला दो. जी. नहीं नहीं, स्टॉप. सॉरी इंटरफेयरिंग, लेकिन अगर ठंडी ठंडी ठंडाई के साथ गरम गरम पकौड़े हो जाए तो गुड कॉम्बिनेशन जी. और वो भी दीक्षा के हाथ से. हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं. दीक्षा जा. जी. हाँ हाँ, वो 5 मिनट भी लगेंगे. श्वेता जी, अगर आपका भर्ता नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी दीक्षा नहीं. हेलो. हाँ माँ, नील और उसकी पूरी फैमिली यहाँ है होली के लिए. नहीं, पर ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं माँ, नील को मुझ पर क्यों शक हो गया है. हमें अब और केयरफुल रहना होगा माँ. हाँ बच्चा, हम और केयरफुल रहेंगे. अपनी फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनो. तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ. ठीक है माँ. संभल कर बच्चा. हाँ माँ, मैं आ रही. तुम्हारे राज को जाने बिना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा. कितना भी पीछा कर लो, इतनी आसानी से तो हाथ नहीं आऊंगी.